तफसीलात देने के। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के मुद्दे पर पार्लियामानी कमेटी की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में दिल्ली में फिजाई आलूदगी कम करने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, DDA, NDMC, CWD और NBCC के रोल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस कमेटी के सरबरा BJP रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पॉल हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों कमेटी की मीटिंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, DDA के वाइस चेयरमैन और दिल्ली जल बोर्ड के CEO समेत दीगर हुकाम की गैर हाजिरी का सख्त नोटिस स्पीकर ओम बिरला ने लिया है। कमेटी के सरबरा जगदम्बिका पॉल ने मीटिंग से गैर हाजिर रहने वाले हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पार्लियामानी कमेटी की आज मीटिंग है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। कल मीटिंग का इनेकाद किया गया था और कल कई अरकान पार्लियामेंट इस मीटिंग से गैर हाजिर रहे, जिसका नोट भी लिया गया है और एक तरीके से क्लास भी ली गई। पिछली मीटिंग में लोकसभा स्पीकर ने तमाम अरकान पार्लियामेंट की क्लास ली थी। अब देखना ये होगा कि कल के इस क्लास के बाद अरकान पार्लियामेंट कितने फिक्रमंद हैं आलूदगी को लेकर। पिछली मीटिंग में लोकसभा स्पीकर ने क्लास ली थी। गैर हाजिर रहने वाले हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। तो दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में पहले हालात बद से बदतर थे, इन दिनों हालात बेहतर थोड़े नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ये मामला पार्लियामेंट में भी गूंजा। कल पार्लियामेंट्री कमेटी की भी मीटिंग, पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग हुई और आज भी ये मीटिंग होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अरकान पार्लियामेंट इस मीटिंग में कितनी तादाद में शिरकत करते हैं। मरकजी काबीना की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग शाम 6 बजे होगी। ख्याल है कि पिछले हफ्ते ब्राजील दौरे पर जाने से कबल मरकजी काबीना की मीटिंग हुई थी, तो काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राजील दौरे से पहले मीटिंग ली थी, जिसमें महाराष्ट्र के सदराज की जो सिफारिश की गई थी गवर्नर की तरफ से, उस सिफारिश को मंजूरी उसी मीटिंग के जरिए मिली थी और आज एक बार फिर से मरकजी काबीना की मीटिंग होने वाली है। वजारत फरोग इंसानी वसायल की आला इख्तियारी कमेटी के साथ आज JNU के एहतजाजी तलबा के नुमाइंदों से मुलाकात होगी। फीस में इजाफे और हॉस्टल मैनुअल में की गई तब्दीली समेत दिगर मामलात को लेकर तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। ख्याल है कि पिछले दिनों पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस के साथ झड़प में कई तलबा जख्मी हुए थे और इसके बाद हमने देखा था कि कई तलबा के खिलाफ केस भी कल तक दर्ज किया गया। तो तलबा अपने एहतजाज पर बजिद हैं। उनका कहना है कि उनके जो तमाम मुतालबात हैं उसे मान लिया जाए।